So this is the last topic in the chapter rectification of errors. हम लोग अब कौन से स्टेज में हम लोग सबसे लास्ट स्टेज में पहुंच गए. आप लोगों को याद होगा रेक्टिफिकेशन एरर का जब हम लोग ने इंट्रोडक्शन क्लास किया था तो उसमें मैंने बताया था कि अकाउंटिंग में हमसे जो गलतियां होती है अकाउंटिंग करते वक्त उन गलतियों को सुधारने के लिए हमें तीन मौका मिलता है. पहला मौका होता है जर्नल लेजर बनाने के बाद और ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले. ये हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जो पहला मौका मेरे पास होता है गलती सुधारने का वो ट्रायल बैलेंस बनाने का पहले. अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले अपना गलती नहीं सुधार पाया तो सेकेंड चांस मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी है वो है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाने का पहले. और अगर किसी कारण के चलते मैं ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी अगर एरर नहीं सुधारा या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मेरे को एरर नहीं डिटेक्ट हुआ सो द लास्ट ऑप्शन दैट यू हैव टू रेक्टिफाई योर एरर्स इज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. एंड हेंस टुडे द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स After preparation of final accounts. मतलब अब हम लोग वो स्टेज में है जहां हमारा फाइनल अकाउंट्स बन चुका है. Now, final accounts, जो हम लोगों ने इसका पहले जो चैप्टर किया था फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग एनपीएल और बैलेंस शीट यही आपका फाइनल अकाउंट्स यही आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर आपको याद होगा तो इसे हम लोग ट्रेडिंग और पीएल को हम लोग रेवेन्यू स्टेटमेंट भी कहते हैं. रेवेन्यू स्टेटमेंट इसीलिए क्योंकि ये जो अकाउंट है ये हमें बिजनेस का नेट रेवेन्यू दैट इज प्रॉफिट या लॉस हमें कैलकुलेट करके बताता है. जो ऊपर वाला पोर्शन है वो फर्स्ट पार्ट ट्रेडिंग का है और नीचे पार्ट पीएल का है. ट्रेडिंग में हमें क्या मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट और पीएल में हमें क्या मिलता है नेट प्रॉफिट. ये था बैलेंस शीट जो है ये क्या है ये है फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट. ये एक ऐसा स्टेटमेंट है शीट है जो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन हमें बताता है और इसमें हम लोग रिकॉर्ड करते थे एसेट्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ये रिकॉर्ड होता था. ठीक सो देयरफॉर अगर देखा जाए तो वो पांच एलिमेंट्स वो पांच आइटम्स जिनका हमें हिसाब रखना है अकाउंट्स पूरा अकाउंटिंग इसी पांच चीज के ऊपर में डिपेंडेंट था. इफ यू रिमेंबर एसेट एक्सपेंसेस लायबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू पूरे अकाउंट्स में है क्लास. जिंदगी भर जब तक तुम लोग अकाउंट्स पढ़ोगे तो अकाउंट्स में तुम लोग यही पांच आइटम से डील करने वाले हो और इन्हीं पांचों का हिसाब रखना पड़ता है. और फाइनल अकाउंट्स क्या है फाइनल अकाउंट्स इन पांचों का पूरा एक रिपोर्ट कार्ड है पांचों का कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है. एसेट लायबिलिटी और कैपिटल बैलेंस शीट में पाया जाएगा एक्सपेंसेस और रेवेन्यू ये कहां पे पाया जाएंगे आपको ट्रेडिंग एनपीएल में जीपी में आपको सॉरी ट्रेडिंग में आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट रेवेन्यू और यहां पे हमें क्या रिकॉर्ड करते थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट रेवेन्यू. ठीक समझ में आ रहा है. अब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना लिए हैं और फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद हमको अपना एरर्स पता चला जब हम अपना ट्रेडिंग पीएल बना लिए बैलेंस शीट बना लिए और इसका गलती हमको पता चलता है. अरे याद रखना फाइनल अकाउंट बनाने के बाद जब रेक्टिफिकेशन करते हो आप तो आप ऑटोमेटिकली नया अकाउंटिंग ईयर में आ जाते हो. आप करंट अकाउंटिंग ईयर में नहीं रहोगे. कहने का मतलब मेरा कहने का मतलब यह है अगर मेरा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2012 से 2022 से 31 मार्च 2023 है यह मेरा अकाउंटिंग ईयर है तो हमें पता है जब हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं हम लोग जब अपना फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो वो फाइनल अकाउंट हम लोग ईयर के एंड में बनाते हैं. सो यहां पे आपका ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनता है करेक्ट. अब जब हमें गलती पता चलेगा तो गलती जब पता चलेगा तो कब पता चलेगा
इससे अगर एक दिन बाद भी पता चलता है तो वो कौन सा ईयर आ गया? नया अकाउंटिंग ईयर आ गया। सो अगर फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद हमें एरर हो पता चलता है। अभी हम यही समझ रहे हैं, टेक्निकली जनरली हम लोग यही अज्यूम कर रहे हैं कि जो अपना फाइनल अकाउंट्स है वो ईयर के एंड में बनता है, राइट? हम लोग 31 मार्च 2023 तक का अकाउंट्स बना रहे हैं, यहां से यहां तक का। तो अब अगर गलती पता चला, तो गलती जब पता चलेगा और जब उसका रेक्टिफिकेशन होगा, तो रेक्टिफिकेशन कभी भी करंट ईयर में नहीं होगा, रेक्टिफिकेशन हमेशा नया साल में होगा, फाइन। अब इससे पहले कि हम लोग रेक्टिफिकेशन करना सीखे कि अगर फाइनल अकाउंट बनाने के बाद एरर पता चलता है तो हम अपना गलतियों को कैसे सुधारेंगे, तो सबसे पहले ये चीज समझो कि अगर हमसे गलती होगा, हम अकाउंट्स बनाते हैं वो किसी भी अकाउंटेंट से, किसी भी व्यक्ति से अगर एरर होता है, गलती होता है, तो ये चीज तो तुम लोगों को क्लैरिटी होना चाहिए, वो एरर इन पांचों का हिसाब में किसी ना किसी में हो। अगर आपसे गलती होता हिसाब रखना, हम लोग हिसाब किन्स का रख रहे हैं, इन पांचों का हिसाब रख रहे हैं। एसेट एक्स हम लोग जर्नल्स करते हैं तो इसी से रिलेटेड, लेजर बनाते तो इसी को बनाते, ट्रायल बैलेंस इसी का, फाइनल अकाउंट इसी का। तो अगर हमसे गलती होगा तो वो गलती इन पांचों में से किसी ना किसी से रिलेटेड होगा, हाँ या ना? Yes, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हमें अपने गलती को सुधारना है, हमें अपने गलती को क्या करना है? सुधारना है। तो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये ध्यान से समझिएगा कि उस गलती का इस अकाउंट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या असर पड़ा, क्योंकि जब तक आप उसका इंपैक्ट नहीं समझोगे आप उसका गलती को रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। सो इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई दिए, जब हम लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपना बीमारी लेकर के, अपना तबीयत जब खराब होता है तो डॉक्टर सबसे पहले यह देखता है कि बीमारी इसका शरीर में कहां तक फैल गया है, इसका जो बीमारी इसका शरीर में है वो शरीर में कहां तक फैला हुआ और उसका कहां तक असर हुआ है। जब तक वो असर नहीं समझेगा, वो इंपैक्ट नहीं समझेगा, डॉक्टर कभी भी दवाई और दवाई देगा भी तो काम शायद नहीं करे। इसीलिए फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद, क्योंकि अब यहां पे सारा चीज बन चुका है, अब उसके बाद हम रेक्टिफिकेशन करते हैं, तो ये चीज समझना है कि गलती किसमें हो रहा है, एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी कैपिटल कौन सा आइटम में हो रहा है और उसका असर, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा। देखिए जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, ये तो आपका ट्रेडिंग पीएल में रिकॉर्ड हो रहा है, एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल ये आपका कहां रिकॉर्ड हो रहा है, बैलेंस शीट। अब हम एक आपको एरर दिखाते हैं, ठीक है, एक एरर दिखाते हैं। सैलरी पेड टू एम्प्लॉई ₹1000 कॉमा नॉट रिकॉर्डेड, ₹1000। बहुत सिंपल एरर रखे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर, ₹1000 स्टाफ को एम्प्लॉई को सैलरी दिया गया और इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। और इस गलती का मालूम, इस गलती का खबर पता कब चला, फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद पता चल रहा है। मतलब तुम्हारा ट्रेडिंग पीएल बन चुका है, बैलेंस शीट बन चुका है, सब चीज खत्म होने के बाद तुमको ये चीज पता चला, हो गया। अब हम इसको सुधारेंगे, तो सुधारने का पहले हमको तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि सैलरी पेमेंट करने का एंट्री क्या होता है, करेक्ट एंट्री। तो हमें पता है सैलरी पेमेंट करने का करेक्ट एंट्री होता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹1000, यह है सैलरी पे करने का एंट्री, ठीक, यह आपका करेक्ट है। आपसे गलती क्या हुआ, रॉन्ग, मिस्टेक, एरर, आपका एरर क्या था, एरर यही था कि आपने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, नॉट रिकॉर्डेड। अब आपको इसको रेक्टिफाई करना है, ठीक। अब जब आप इसको रेक्टिफाई करना है तो हम लोग फाइनल अकाउंट बनाने का पहले जब रेक्टिफिकेशन करते थे तो हम तुमको बहुत सिंपली सिखाए थे, देखो यह मेरा करेक्ट एंट्री है,
गलती क्या हुआ, रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करो, इसे रिकॉर्ड कर दो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक, आप ध्यान से समझिएगा, ये जो मैंने रेक्टिफिकेशन किया है, ये जो मैंने गलती को सुधारा है, ये रेक्टिफिकेशन तब काम का है जब हम फाइनल अकाउंट बनाने के पहले रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये मेरा एंट्री चलेगा। लेकिन मेरा फाइनल अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है, अब फाइनल अकाउंट बनाने के बाद मैं ये सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं कर पाऊंगा, ये एंट्री मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं ये एंट्री करके सोचता हूं कि मेरा गलती सुधर गया, तो मैं खुद गलत हूं। ये एंट्रीज मेरा मिस्टेक को सुधारता अगर हम अपना मिस्टेक फाइनल अकाउंट्स बनाने का पहले सुधारते। अभी तक फाइनल अकाउंट बना नहीं है, लेकिन मेरा जो सिचुएशन आज का है वो है कि फाइनल अकाउंट बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये गलत होगा अगर हम लोग ये एंट्री पास करेंगे, तो ये गलत इसलिए होगा, बहुत बुनियाद से बेसिक से जा रहे हैं हम लोग, समझिएगा ध्यान से। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट, इससे दो लेजर बना। हम अभी ये मान रहे हैं कि कैश बुक नहीं है हम लोग का, तुम कैश का लेजर बना रहे हैं, सैलरी और कैश, राइट, सैलरी 1000 रुपया डेबिट हुआ और कैश 1000 रुपया क्रेडिट हुआ, करेक्ट। लेजर से कहां पे जाते हैं हम लोग फिर, ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस गए हम, ट्रायल बैलेंस में हमने लिखा सैलरी और हमने लिखा कैश, हो गया जर्नल, हो गया लेजर, हो गया ट्रायल बैलेंस। अब हम उसके बाद कहां चले गए, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट में हमने पहले क्या बनाया, ट्रेडिंग पीएल, उसके बाद हमने क्या बनाया, बैलेंस शीट। अब आप ध्यान से समझिए, सैलरी आपका एक्सपेंस है, वो आ गया आपका कहां पे, पीएल अकाउंट में, कहां पे आ गया, डेबिट में, और कैश आपका एसेट है, वो कहां पे चला गया, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। अब इस चीज को देख करके आप बताइए आप लोग कि ये जो गलती, ये जो मैंने एंट्री यहां पे रखा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इसको मैं गलत क्यों बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं कि ये एंट्री पास नहीं कर सकते हैं फाइनल अकाउंट बनाने के बाद अगर रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, अगर अभी तक आप लोग नहीं पकड़ पाए हैं तो यह चीज समझिए कि सर अगर मैं ये एंट्री पास करता हूं ना सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यह गलत इसलिए है सर क्योंकि सैलरी अकाउंट, ये जो लेजर है ना सर, ये लेजर नहीं जिंदा है सर, ये तो बंद हो चुका है। कैसे, क्योंकि साल के अंत में मैंने सैलरी का जो बैलेंस था उस बैलेंस को मैंने कहां पे ट्रांसफर कर दिया है, पीएल में डाल दिया है। तो अगर मैं सैलरी अकाउंट डेबिट को करता हूं, सैलरी के अकाउंट को सुधारता हूं, तो ये तो सर बेवकूफी होगा, ये तो इलॉजिकल होगा, क्योंकि मैं उस अकाउंट को सुधारने का कोशिश कर रहा हूं जो अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अकाउंट तो ऑलरेडी, संचिता सीधा बैठो, बंद हो गया है। सैलरी का अकाउंट बंद होकर के उसकी जो बैलेंस है वो कहां पे ट्रांसफर हो चुका है, पीएल में जा चुका है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के बाद जब, यही तो चक्र साइकिल है, अकाउंटिंग साइकिल, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, दिस इज माय अकाउंटिंग साइकिल। तो साल के अंत में जितने भी मेरे साल के इनकम होते हैं और साल के जितने भी मेरे एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, वो सारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का जो लेजर होता है वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और उसका जो बैलेंस है वो कहां पे ट्रांसफर हो गया, मतलब पीएल अकाउंट में चला गया। तो फिर हम सैलरी को कैसे सुधार सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो सैलरी अकाउंट को आप डेबिट नहीं कर सकते, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं, हाँ कैश अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं सर, क्योंकि कैश अकाउंट
कैश कहां पे जाता है? बैलेंस शीट में। और लास्ट ईयर का कैश का बैलेंस इस साल क्या होगा, अगले साल क्या होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, तो उसका बैलेंस को सुधार सकते हैं, क्योंकि एसेट्स लाइबिलिटी कैपिटल का कॉन्टिन्यूटी होता है। 2022 में जो मेरे एसेट्स है वही एसेट हम 2023 में लेके जाएंगे, 2022 के अंत में जो मेरे लाइबिलिटीज है वही लाइबिलिटीज हम 2023 में लेके जाएंगे, 2023 के अंत में जो मेरा कैपिटल है वही कैपिटल के साथ में 2023 शुरुआत करूंगा। तो एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल इन तीन आइटम का जो अकाउंट्स होता है वो कंटिन्यूड हो रहा है नेक्स्ट ईयर भी, उसका बैलेंस आगे बढ़ रहा है। तो अगर लास्ट ईयर आपने कैश में कुछ गड़बड़ी किया था तो इस साल तुम उस कैश को अकाउंट को क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो, क्योंकि जब करेंट ईयर में कैश अकाउंट बनेगा, ध्यान से समझो, जब करेंट ईयर इस साल जब तुमको कैश अकाउंट तुम बनाओगे तो लास्ट ईयर वाला जो कैश का बैलेंस उसको क्या करोगे, ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे, ये तो लास्ट ईयर से आया। लेकिन जब इस साल का सैलरी का अकाउंट बनाओगे, नया सैलरी, तो क्या पिछला साल का सैलरी ब्रॉड फॉरवर्ड होगा क्या? अरे वो पिछला साल का सैलरी तो पिछला साल का एक्सपेंस था, वो तो ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं होगा। तो फिर तुम सैलरी अकाउंट को कैसे सुधार सकते हो? समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो फिर सर कैसे सुधारें? अरे भैया बहुत सिंपल है, सैलरी कहाँ गया है तो किसको सुधारो, खत्म हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर पेपर से फाइनल खत्म। सैलरी कहाँ गया है? पीएल। तो सैलरी को डेबिट नहीं करके तुम किसको डेबिट करो यहाँ पे, खत्म हो गया। ये सैलरी जो डेबिट किए थे, सैलरी डेबिट नहीं करके किसको डेबिट करो, पीएल अकाउंट डेबिट टू कैश कर दो, खत्म। कैश तो सुधरेगा लेकिन सैलरी अकाउंट को नहीं सुधार सकता, क्योंकि सैलरी अकाउंट ऑलरेडी क्लोज होकर के कहां पे गया हुआ, पीएल में। समझ में आया? तो सैलरी अब इसको दूसरा तरीके से समझ सकते हैं, सिंस सैलरी रिकॉर्डेड नहीं हुआ तो इस साल का जब तुमने पीएल बनाया, ये वाला जब तुमने पीएल बनाया तो इस पीएल में तुमने सैलरी तो रिकॉर्ड नहीं किया, क्या क्या किया नहीं, तो तुम्हारा एक्सपेंस तो कम है, खर्चा खर्चा इन्वॉल्व इन्वॉल्व हो क्लास में, खर्चा क्या है कम है, खर्चा कम ही की बढ़ गया आपका अद्रिजा, आपने यहाँ पे सैलरी रिकॉर्ड नहीं किया, यहाँ पे एक सैलरी 1000 रुपया आना चाहिए था, यहाँ पे आपने वो सैलरी रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपका उस साल का एक्सपेंसेस पीएल में कम है कि ज्यादा है? कम है ना, कम है कि ज्यादा है? अगर खर्चा मेरा कम होगा तो उसका असर प्रॉफिट भी क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि घटे जाएगा, बढ़ जाएगा ना। अगर मेरा खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो अगर सैलरी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है तो इसका चलते मेरा प्रॉफिट क्या हो गया होगा। अब प्रॉफिट को क्या करना है, हमको सुधारना है, कम करना है, तो प्रॉफिट को कम करेंगे तो पीएल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पीएल को क्या करेंगे, क्योंकि जो डेबिट साइड है ये दुख का साइड है और क्रेडिट साइड क्या है, सुख का है। प्रॉफिट को कम करना है तो पीएल को क्या करो, डेबिट करो, और प्रॉफिट को बढ़ाना है तो पीएल को क्या करो, क्रेडिट करो। तो ऐसे भी सोच के कर सकते हैं, ऐसे भी सोच के कर सकते हैं। और अगर चीज को एकदम सिंपल रखना है तो बस सिर्फ इतना याद रखो, जिस आइटम में प्रॉब्लम है, जैसे तुमको हम बताते हैं, एक एंट्री और लिखते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ मशीनरी पे और उसे रिकॉर्ड नहीं किया गया। अब हमें पता है कि करेक्ट एंट्री इसका ये है, जर्नल एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, हो गया। हमसे एरर, रॉन्ग एंट्री या एरर बोल लो, एरर क्या हुआ हमसे, नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड। अब हम आए हैं रेक्टिफिकेशन में, रेक्टिफाई करेंगे, तो जब रेक्टिफाई करेंगे तो क्या मैं ये वाला एंट्री पास कर सकता हूं, नहीं। क्यों, ध्यान से समझिए,
इस एंट्री में एक आइटम एक्सपेंस है और दूसरा आइटम क्या है? एसेट। अच्छा, अभी हम डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर डेबिट करेंगे तो गलत है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का लेजर वो कहां है? पीएल में जा चुका है। करेक्ट, मशीनरी बींग एन एसेट, मशीनरी का कौन कौन सुधार सकते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन बींग एन एक्सपेंस उसका बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं होता, तो उसको हम सुधार नहीं सकते। सो देयरफॉर अगर डेप्रिसिएशन में सुधार करना है तो आप डेप्रिसिएशन में नहीं करके कहां पे करें? पीएल में करें, खत्म। एक्चुअली इसको लोग पीएल एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं पीएल? वो हम बताएंगे बाद में, अभी जस्ट खरी समझने के लिए। समझ में आ रहा है? और मशीनरी के लिए आप मशीनरी को पकड़ो, उसी को सुधारो। समझ में आ रहा है? हा? एक और लेते हैं, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स टू विनोद नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट सेल्स टू विनोद, उधार में विनोद को सामान बेचा गया, उधार में अगर विनोद को सामान बेचा गया तो करेक्ट एंट्री विनोद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये है विनोद मेरे लिए डेटर हुआ, डेटर मेरे लिए एसेट बड़ा डेबिट, और सेल्स मेरे लिए रेवेन्यू बड़ा क्रेडिट। अगेन वही गलती हुआ, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो रिकॉर्ड अगर नहीं हुआ तो रॉन्ग एंट्री कुछ नहीं है, नॉट रिकॉर्डेड। अब इसको रेक्टिफाई करो। तो जब तुम रेक्टिफाई करोगे, ध्यान से समझो, जब रेक्टिफाई करोगे तो विनोद तो डेटर है और सेल्स मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू। तो तुम रेक्टिफिकेशन में विनोद एज ए डेटर को तुम डेबिट कर सकते हो, डेटर को बढ़ा दो, लेकिन तुम सेल्स को यहां पे रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेल्स रेवेन्यू है, इनकम है, और सेल्स का जो भी साल के अंत का अमाउंट था वो ऑलरेडी ट्रेडिंग पीएल में जा चुका है, तो सेल्स अकाउंट जिंदा ही नहीं है, वो तो बंद है। सो उसके बदले में हम लोग पीएल, अल्टीमेटली इफेक्ट तो नेट प्रॉफिट पे पड़ता है ना, तो हम लोग किस पे जाएंगे? टू पीएल। समझ में आ रहा है? सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर फाइनल अकाउंट बनाने के बाद अगर हम लोग करते हैं तो आपको ध्यान सिर्फ इतना देना है कि हम सुधारना किसको, जिसे सुधारना वो क्या है। अगर एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिसको सुधारना है, जिस अकाउंट को सुधारना है, वो एक्सपेंस या रेवेन्यू है, तो फिर उसको नहीं सुधार करके क्या सुधारो? उसको सुधार कुछ फायदा नहीं, सुधरेगा नहीं उसको, उसको, उसको सुधारोगे तो फंडा वॉज वेरी सिंपल। एज पर द अकाउंटिंग साइकिल वी स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम जर्नल, देन वी गो टू लेजर, देन वी गो टू ट्रायल बैलेंस। एंड याद करो ना भाई, ये जो तुम ट्रायल बैलेंस बना रहे हो ये क्या है? ये सारे लेजर का ही तो बैलेंसेस है जो ट्रायल बैलेंस में लिखते हो, और यहीं से तुम आइटम उठा करके कहां पे डालते हो? याद है फाइनल अकाउंट्स? फाइनल अकाउंट हम लोग किसे देखकर बनाते थे? ट्रायल बैलेंस देख करके बनाते थे। और ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा हुआ है, किसका लेजर का बैलेंसेस है? यही AELCR पांचों का है, सारे एसेट्स एक्सपेंसेस लाइबिलिटी कैपिटल, याद है ना? फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में हमारा ये ट्रायल बैलेंस रहता था ना, यही रहता था ना ट्रायल बैलेंस, सबका लेजर का बैलेंस, डेप्रिसिएशन, सैलरी, डेटर्स, रेंट, मशीनरी, सारा जितना भी मैंने लेजर बनाया सारा लेजर बैलेंस, और इसी को तो उठा के हम लोग कहां पे लिख देते हैं? फाइनल अकाउंट्स में एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को ट्रेडिंग पीएल में डाल देते हैं और एसेट लायबिलिटी कैपिटल को बैलेंस शीट में। तो तुम देखो ना, ऑलरेडी तो सारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के जो लेजर बैलेंसेस है वो तो ऑलरेडी हम लोग ट्रेडिंग पीएल में डाल चुके हैं। तो अब अगर बताओ सैलरी में गलती होगा तो तुम सैलरी को कैसे सुधारोगे, क्योंकि सैलरी तो ऑलरेडी कहां पे जा चुका है? पीएल में जा चुका है, तो ऑलरेडी पीएल में है। सैलरी अकाउंट बोल के तो कुछ है ही नहीं, क्लियर है कि नहीं है? इस ना समझ में आ रहा है ना, हम लोग जब लेजर बनाते हैं ना, मान लीजिए सैलरी का लेजर बनाते हैं, जस्ट तुम लोग तो दिखा दे रहे हैं, हम लोग तो बनाए हैं लेजर। अब जैसे जब जब तुम सैलरी दिया कैश में, टू कैश, तो साल भर जितना तुम सैलरी पे किया,
एक रुपया, दो रुपया, तीन रुपया, टोटल छह रुपया हुआ, छह रुपया हुआ, और ये छह रुपया बैलेंस है। हम लोग यहाँ पे सैलरी में बाय बैलेंस शीट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बाय पीएल, क्योंकि ये छह रुपया कहाँ जा रहा है, पीएल में जा रहा है। बैलेंस लिखने का मतलब वो अगले साल भी ब्रॉट डाउन हो जाएगा, नहीं बाय पीएल। तो जब ये बंद हो चुका है, ये पीएल में जा चुका है, तो फिर तुम इसको कैसे सुधार सकते हो? सुधारना तो किसको सुधारो? पीएल को, क्योंकि बीमारी वहां तक जा चुका है। इसलिए बीमारी के इलाज करने के पहले डायग्नोसिस करना जरूरी, पहले समझना कि गलती कहां तक गया है। तो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू में कभी गलती हो और आप फाइनल अकाउंट बनाने के बाद उसको सुधार रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस और रेवेन्यू को मत सुधारिए, उसके बदले में पीएल सुधार लीजिए। और अगर एसेट्स में गलती हुआ है, लाइबिलिटी कैपिटल में, तब तो कोई टेंशन, जैसे सुधार सकते उसी पर्टिकुलर अकाउंट को सुधारो। क्लियर है? पक्का? अच्छी तरह से आगे बढ़े, कुछ एरर्स लेते हैं, ठीक है? कुछ हम एरर्स का यहां पे एग्जांपल देते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग उसको भी रेक्टिफाई करेंगे। नंबर वन, क्रेडिट सेल्स टू विनोद रुपीज 500 एंटर्ड थ्रू सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक एज रुपीज 5000, ठीक है? लेट्स एनालाइज दिस मिस्टेक एंड देन वी विल रेक्टिफाई इट। क्या हुआ? 500 रुपया का सामान बेचा गया था। कितना रुपया का सामान बेचा गया था? क्रेडिट सेल्स टू विनोद रुपीज 5, पहले इस पे फोकस करें हम लोग। ट्रांजैक्शन 500 रुपया का हुआ है, इसका अगर हम लोग करेक्ट एंट्री समझेंगे, जिसका करेक्ट एंट्री होगा विनोद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना रुपया? 500 रुपया हो गया। अब हमसे गलती क्या हुआ? रॉन्ग एंट्री। हमने जब इसको एंट्री किया सेल्स डे बुक में, और सेल्स डे बुक में हम लोगों को पता है कि सब क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होता है, सेल्स डे बुक में हमने कितना का एंट्री पास किया? 5, तो उसका एंट्री हम लोग ने यहां पे किया विनोद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हाउ मच? 5000। ये हो गया हमसे गलती। So, अगर आप इसका इंपैक्ट समझने का कोशिश करोगे तो देखिए, जहां आपका विनोद 500 का डेटर था, आपने अपना डेटर कितना का बना दिया? 5000 का। So, अगर मेरे को रेक्टिफाई करना है तो हमको समझ में आ गया विनोद का अकाउंट में गलती है। दूसरा, जहां आपने सेल्स करा था 500 रुपया का, आपने सेल्स कितना रिकॉर्ड किया? 5000। अब अगर ये गलती फाइनल अकाउंट्स बनाने का पहले पकड़ में आ जाए, कब पकड़ में आ जाए? अभी तक फाइनल अकाउंट्स बना, हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तब हम इसको बहुत सिंपल सुधारेंगे। मेरा जो सेल्स 4500 से बढ़ा हुआ है, अपना सेल्स को 4500 से कम कर देंगे, तो सेल्स को कम करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। और मेरा डेटर भी 4500 से बढ़ा हुआ है, और हम अपना डेटर को, और हम अपना डेटर को 4500 रुपया से क्या करेंगे? 4500 रुपये से क्या करेंगे? कम करेंगे। सो देखो, ध्यान से समझिए, राइट? सो 500 एंड 5000, सो दोनों का ही अकाउंट 4500 से क्या हो गया है? बड़ा हुआ है। यहां पे कोई दिक्कत? सिंपल, क्रेडिट सेल्स टू विनोद 500 एंटर थ्रू सेल्स डे बुक 5000। समझ में? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वट एवर क्वेश्चन आई टेक इट आफ्टरवर्ड्स। So now what do we need to rectify? We need to rectify the sales and Vinod. Simple CJ. This rectification we are doing after final accounts. So agar final account banane ke baat kar rahe hain, to yaad rakhna ye jo sales mein jo problem hua hai, ye sales revenue hai. क्या है ये मेरे लिए? रेवेन्यू है। तो देफोर आप सेल्स का अकाउंट को अगर सुधारोगे तो थोड़ा ध्यान रखना, सेल्स वर्ड यूज मत करना, सेल्स अकाउंट वर्ड यूज मत करना, सेल्स अकाउंट को मत सुधारना। किसको सुधारना? पीएल, क्योंकि सेल्स
बंद होके कहां पे चला चुका है? पीएल में। सो सेल्स को डेबिट करने के बदले आप कब डेबिट करोगे? किसको डेबिट करोगे? पीएल को डेबिट कर दिए। अब आ जाओ विनोद, विनोद मेरा डेटर है, विनोद मेरा डेटर है, वो कहां पे है? वो तो बैलेंस शीट में तो डेटर्स भी इंक्लूडेड है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ट्रेडिंग पीएल का आइटम। समझ में आ रहा है? तो ये 500 और 5000, ये 4500 से ज्यादा बड़ा हुआ है, तो 4500 से विनोद को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। 4500 So this is how you will rectify the error right after preparation of file account. So what you need to do is that आप पहले identify कर लो गलती किसमें हुआ है। गलती एक बार चेक करो कि कौन सा आइटम में गलती है। अगर गलती एक्सपेंस और रेवेन्यू में है तो फिर आप उस पर्टिकुलर अकाउंट को मत सुधारो। आप किसको सुधारो? पीएल। आप सोचो, आप ऐसे करो, आप ऐसे सोचो कि मैं रेक्टिफिकेशन अभी फाइल को बनाने का पहले कर रहा हूं, तो अगर फाइल को बनाने का पहले कर रहा हूं रेक्टिफिकेशन, तो यहां पर क्या डेबिट होना चाहिए था? सेल्स। नॉर्मली हम लोग करते हैं सेल्स मेरा बढ़ा हुआ है, सेल्स को कम करेंगे, तो सेल्स अकाउंट डेबिट करेंगे और विनोद को क्रेडिट करेंगे, ठीक। बट जैसे तुम लिखने जाओ थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखो, अरे यार सेल्स तो रेवेन्यू स्टेटमेंट में चला गया, ट्रेडिंग पीएल में है, तो सेल्स वर्ड यूज नहीं करके क्या वर्ड यूज करेंगे? पीएल। तुम सोचो नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं वैसे सोचो। सिर्फ लिखते वक्त तुमको ध्यान देना है कि जिस अकाउंट को सुधार रहे हो वो तुम्हारा कहां का आइटम है। क्लियर है?